अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे गोश्त का अचार हैदराबादी स्टाइल में। तो उसके लिए लिया है हमने 2 किलो बोनलेस रेड मीट। इसको हमने बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिया है इस तरह से, और इसको धोकर रख लिया है छन्ने में। 2 किलो लिया है हमने। 2 किलो को 12 नींबू का रस चाहिए हमको। नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। 2 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली है, ये फीकी होती है। 2 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 किलो तेल और 5-6 लहसुन की जवे लेके हमने इसको इस तरह से छील लिया है। दर दरा से हमको इसका पेस्ट बनाना है। 50 ग्राम साबुत धनिया लिया है, 50 ग्राम हमने जीरा लिया है, इसको 2 जगह रखा है हमने ये बघार के लिए, और इसका हमको पाउडर बनाना है। 7 हमने लाल मिर्च ली सूखी वाली, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, 2 चम्मच राई, ये बघारेंगे तब चाहिए हमको। 1 चम्मच हमने काली मिर्च ली है, 20 ग्राम दालचीनी और 1/2 जीरा हमने उधर रखा है बघार के लिए, 1/2 इसमें। इसको हमको 2-3 मिनट भूनना है तवे पे और इसका पाउडर बना लेना है। देखिए गैस पे हमने तवा रख दिया है। काली मिर्च, दालचीनी, जीरा भून लेंगे। दालचीनी को इस तरह से तोड़ेंगे, 2 मिनट ही भूनना है, 2-3 मिनट। देखिए 2-3 मिनट हमने इसको भून लिया है। देखिए इस तरह से भूनना है, इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम इसको निकाल देंगे। अभी हम धनिया को भूनेंगे। इसको भी 2-3 मिनट भून लेंगे। देखिए धनिया को भी हमने 2-3 मिनट भून लिया है। अभी ठंडा होने के बाद हम इसका पाउडर बना लेंगे। देखिए पतीले में हमने गोश्त को डाल दिया है। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। आधा हल्दी पाउडर डालेंगे हम, आधा बाद में डालेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ढककर मीडियम फ्लेम पर गोश्त टेंडर होने तक इसको पकने देंगे। थोड़ा सा इस तरह से खुला ही रखेंगे। देखिए मीडियम फ्लेम पर हमारे गोश्त को गलते हुए पूरे 20 मिनट हो चुके हैं। अभी पानी पूरा हम सुखा देंगे, फुल फ्लेम करेंगे। अभी देखिए फुल फ्लेम पर हमने पूरा पानी इसका ड्राई कर लिया है। अभी हम इसको निकाल देंगे। देखिए उसी पतीले में हम तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। बॉईल किया हुआ गोश्त तेल के अंदर डाल देंगे। गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए मीडियम फ्लेम पर हमने गोश्त को ब्राउन स्पॉट आने तक फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हो इस तरह से इसको फ्राई कर लेना है। इसको फ्राई करने में पूरा हमको 20 मिनट लगा है। मीडियम फ्लेम पर ही करना है। 500 ग्राम तेल हमने
पहले डाल दिया था, अभी और 200 ग्राम तेल डाल रहे हैं हम। तेल थोड़ा कम लग रहा है हमको, तेल इसमें ज़्यादा ही डालना होता है। 700 ग्राम तेल डाल दिया हमने पूरा। देखिए गोश्त को इस तरह से साइड में कर लेंगे। इस तरह से हमने दरदरा सा लहसुन का पेस्ट बना लिया है, बारीक नहीं करना है इसको। ये डाल देंगे, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे कच्चापन जाने तक। गैस हमने मीडियम फ्लेम पर ही रखा है। बीच में अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तेल है बीच में सब इसका, इसका कच्चापन जाने तक इसको फ्राई कर लेंगे 4-5 मिनट। देखिए लहसुन का कच्चापन जाने तक हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। अभी हम इसको मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देना है। देखिए अच्छे से मिक्स कर दिए हमने। गोश्त को थोड़ा थोड़ा साइड में कर लिया हमने। सूखी वाली लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, राई और जीरा इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए 4-5 मिनट हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर जो हमने आधा बचा लिया था, ये जो मसाले हमने भून लिए थे इस तरह से उसका पाउडर बना लिया है गरम मसाले का। अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। ये 12 नींबू का रस निकाल दिया हमने, नींबू का रस डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। नमक हमने चेक कर देखा है, नमक सही है। गोश्त बॉईल कर रहे थे तब हमने नमक डाल दिया, तो अभी हमको नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मीडियम फ्लेम पर इसको ढककर पकने देंगे नींबू का पानी सूखने तक। देखिए मीडियम फ्लेम पर हमारे अचार को पकते हुए पूरे 15 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से हमने ढककर इसको पकाया है। नींबू का पानी पूरा सूख चुका है, आप देख सकते हो तेल पूरा ऊपर आ चुका है। इस तरह से ही पका लेना है इसको, सिर्फ इसके अंदर तेल ही नज़र आना चाहिए, इतना इसको सुखा लेना है पानी को। बहुत अच्छे से अचार हमारा बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है माशाल्लाह। हम आपको तोड़ के दिखा देते हैं किस तरह से हमारा गोश्त टेंडर हुआ है। देखिए अभी गर्म है ये, बहुत ही मज़े का अचार हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और आपको सर्व करके दिखाएंगे। ये लीजिए बनकर तैयार है गोश्त का अचार हैदराबादी स्टाइल। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत बहुत टेस्टी लगता है। दाल चावल रोटी किसी के भी साथ में खाइए, कांच की बोतल में भर के रख दीजिए।
ये बिल्कुल भी 1 महीने तक ख़राब नहीं होता है। आपको इसको फ्रिज में रखना है और जब भी आपको खाना हो, जितना आपको चाहिए उतना आप निकाल कर बाहर रख दीजिए आधा घंटा 1 घंटा पहले, और फिर उसको खा लीजिए। या थोड़ा सा आप इसको गर्म भी कर सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। इस बकरीद में ज़रूर से ट्राई कीजिए। सभी के घर में मटन होता है, ज़्यादा क्वान्टिटी में आप इसको बनाकर फ्रिज कर दीजिए तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। रेसिपी को लेकर आपका कोई भी सवाल रहेगा तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, और ज़रूर से ट्राई कीजिए। बकरीद में तो सभी के घर में मटन गोश्त होता ही होता है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर आप इसको रख दीजिए। और जब भी आप दाल चावल बनाएं या कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है ज़बान को टेस्ट, तो आप अचार के साथ उसको एंजॉय कर सकते हो, बहुत मज़ेदार लगता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर इसको फ्रिज कर दीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। ज़रूर से ट्राई कीजिए। जब भी आप इसको ट्राई करोगे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चिकन में भी आप इसको बना सकते हो, मटन में भी बना सकते हो, हम अलग अलग तरह से आपके साथ ज़रूर से शेयर करेंगे। फिर भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बता दिया करेंगे आप हमारी कौन सी रेसिपी देखना चाहते हो। अगर अचार देखना चाहते हो अलग अलग तरीके से तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, अलग अलग हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो आज की ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भेजते रहिए। इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई कीजिए, और रेसिपीज़ की वीडियो पसंद आते हैं तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कीजिए, और हमारे साथ हमेशा हमेशा इसी तरह से जुड़े रहिए। आपके प्यार और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये हमारी कैट भी आप देख सकते हो माशाल्लाह। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।